जी प्रणाम, नमस्ते जी, ओम। हेलो हाँ ओम बहन। स्वामी जी, मैंने ओवरी में सिस्ट रहती है, कई बार जो ठीक हो जाती है लेकिन पेट में से दर्द नहीं जाता। दोनों ओवरी की जगह पे मुझे दर्द रहता है, तो अच्छा, मैं प्राणायाम भी नहीं कर पाती हूँ। ओवरी में गांठ अपने आप होती है और अपने आप ही ठीक हो जाती है, कपालभाति से ठीक होती है? नहीं, कपालभाति में कर नहीं पाती क्योंकि दर्द होता है मुझे, हाँ सिर्फ अपने आप होती है, ठीक हो जाती चलो, ये किसी किसी के बॉडी की टेंडेंसी हो जाती है। तो आप ऐसा जी। करो, आप धीरे 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 कपाल भाती करना। एक तो जोर से कपाल भाती नहीं करना, और दूसरी बात एक और बता देता हूँ आपको, जो है तोलिया लेकर के उसको ठंडे पानी में भिगोना, फिर यहाँ पर रख लेना। ऐसे तो हम नेचुरोपैथ में जब योगाग्राम में आप आते हैं तो मिट्टी की पट्टी करते हैं, ये ठंडे पानी की पट्टी करते हैं। इसके ऊपर कोई भी गर्म कपड़ा या ऐसे सूती कपड़ा बांध करके आप आधा घंटा सुबह सुबह रख लीजिए। कुछ ही दिनों में आपका पेट एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, आपका दर्द दूर हो जाएगा। खास बात आपको बता रहा हूँ, सर्वकल्प क्वाथ। पूरी औषधियों से आपका बाद में हम परिचय कराएंगे, यहीं पर आपको सर्वकल्प क्वाथ भी मिलेगा। पीछे सारी क्वाथ, वटी, चूर्ण, अवलेह सब कुछ है। तो सर्वकल्प क्वाथ इसका उपयोग किया हमने चूहे और खरगोशों पर। मैंने कहा ना, ड्रग डिस्कवरी का पूरा एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का पूरा जो साइंटिफिक रिसर्च है वो पतंजलि में चल रहा है। तो हमने ये देखा, पहले हमने चूहों और खरगोशों का लीवर खराब किया, फिर उनको सर्वकल्प जो है हमने पिलाया, फिर जो है स्लाइस की तरह उनके जो है लीवर को, आंतों को काट करके फिर चेक किया जाता है उनके जो पूरे किस तरह का उनमें चेंज आ रहा है। देखा कि अद्भुत परिवर्तन आता है। पेट और पाचन से संबंधित कोई रोग हो तो सर्वकल्प, तो आपको या तो पेट माने आंतों में या लीवर में प्रॉब्लम है उससे थोड़ा दुखता है, या फिर ओवरी में जैसे आपने गांठ बोला तो उसके लिए दशमूल। तो आप दोनों को मिलाकर के ले लीजिए, दशमूल दो दो चम्मच, सर्वकल्प दो दो चम्मच, करीब 500-600 ग्राम पानी में पकाइए। 50-100 ग्राम पानी बच जाए तब छान करके सुबह शाम पी लीजिए, आपको ये दर्द पूरा खत्म हो जाएगा। अद्भुत उपचार है ये। यदि भी दशमोलारिष्ट पीते हैं उससे भी लाभ होता है, लेकिन ये जो ताज़ा जड़ी बूटियाँ उबाल करके पीते हैं उससे ज़्यादा लाभ होता है। वैसे आयुर्वेद में कहा जाता है सबसे अच्छा होता है ताज़ा रस पिए, जड़ी बूटियों को पहचान सकें। इसके लिए हमने करीब 500 से 1000 के बीच में औषधियाँ यहाँ पतंजलि के गार्डन में, कोई भी आकर के लाइव उनको देख सकता है, जड़ी बूटियों को पहचान सकता है। ताज़ा पिए सबसे अच्छा, काढ़ा पिए ये तो तुरंत लाभ होता ही है। उसके बाद फिर चाहे चूर्ण है, चाहे उनकी वटी है, एक्सट्रैक्ट है, वो सभी लाभ करते ही हैं, अलग अलग उनके बेनिफिट हैं।